बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। और मैं हूँ सरिश, लाइव करकी में आपका खुश आमदीद। ठीक है, आज आपको फ्रेंड मैं आपको बताऊँगी आज हेयर मास्क घर पे बनाना। और ये हेयर मास्क बहुत इंपॉर्टेंट है हर किसी के बालों के लिए। वीक में हम लोगों को 15 डेज में एक बार आपको हेयर मास्क ज़रूर करना चाहिए। फ्रेंड हम लोग कितना कुछ करते हैं अपने बालों को, रफ़ हो जाते हैं, ये देखिए बालों का क्या हाल हो जाता है, टूट फूट जाते हैं। ठीक है, और हम लोग केमिकल लगा लगा के इनका बिरा बुरा कर देते हैं। मैं अपना भी बीच में कह रही हूँ, ठीक है, हम सब लोग केमिकल लगाते हैं अपने बालों को, बहुत बुरा हाल कर देते हैं। परेशान नहीं होना आपने फ्रेंड, वीडियो को एंड तक देखिएगा, ठीक है। और जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। मुझे कमेंट्स में अपनी राय बताएं ताकि मुझे पता चले कि फ्रेंड्स आप मुझसे क्या चाह रहे हैं। और फ्रेंड हेयर मास्क आपको बताना बताऊँगी, ठीक है। अपने बालों पर ट्राई नहीं कर रही हूँ मैं, अपने बालों पर तकरीबन 15 डेज में एक बार ज़रूर ट्राई करती हूँ। अभी मुझे तकरीबन हो गए हैं, इसमें तकरीबन 4-5 डेज हो गया मैंने इसको किया था, ठीक है। मैं 15 डेज़ के बाद एक बार ज़रूर अप्लाई करती हूँ। मैं अपनी बेटी के बालों पर आज आपको ट्राई करके बता रही हूँ, कोई भी खास केमिकल नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि इस वजह से, क्योंकि देखिए मैं अपनी बेटी के बालों पर कर रही हूँ तो जाहिर सी बात है डेफ़िनेटली आपको पता होगा कि मैं बहुत अच्छा मटीरियल यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छी चीज़ें यूज़ कर रही हूँ इस वजह से। तो फ्रेंड चले मैं आपको बताती हूँ आज हेयर मास्क बनाने का प्लीज़ तरीका, वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको पता लगे कि आप किस तरह से। और बालों का रिजल्ट मैं आपको एंड पे ज़रूर दिखाऊंगी, हेयर मास्क जस्ट नहीं लगाऊंगी, आपको हेयर मास्क लगा के उसके बाद उसके बालों अपने अपनी बेटी के बालों का रिज़ल्ट भी आपको दिखाऊंगी कि रिज़ल्ट कैसा है। और पहले मैं आपको वो उसके बाल दिखा दूँ जो भी रूखे फूके हुए हैं, ठीक है। अच्छा फ्रेंड, तो ये देखें बेटा, थोड़ा सा आगे हो रानी, ये देखें फ्रेंड बालों का हशर देखें। ये वैसे भी मेरी बेटी जो है ये बालों का यही हाल रखती है बेटा, इस टाइप इस साइड पे हो सर, इधर ऐसे ऐसे, ये देखिए फ्रेंड ये मेरी बेटी के बालों का हाल है। मैं इसको भी 15 डेज़ में अगर नहीं कर सकती तो मैं 1 मंथली एक बार ज़रूर इसके बालों पे ये लगाती हूँ। ये देखिए बाल बहुत प्यारे हैं लेकिन केयरलेस है, केयर नहीं करती है, ठीक है। ये देखें यहाँ मैं इसको आपको बताऊँगी आज बालों को, ये देखें बाल हाथ में नहीं आ रहे, ये देखें। और चीखें इतनी मारती है ना जब इसके बालों में इंटेंगल्ड हो जाते हैं ये सारे इस तरह से, तो बहुत ज़्यादा चीखें मारती है, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताऊंगी इसके बालों को, ये जो बाल हैं आपने इनको कैसे सेट करना है। हेयर मास्क लगाऊंगी आपके सामने, बनाऊंगी, फिर लगाऊंगी, फिर आपको वॉश करूँगी इनके बालों को, और उसके बाद मैं आपको रिज़ल्ट दिखाऊँगी, ठीक है। फ्रेंड मेरे साथ रहिएगा, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा ताकि आपको पता चले हेयर मास्क आप घर में किस तरह से बना सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो बनाते हैं अपना हेयर मास्क, ठीक है। अच्छा तो फ्रेंड अभी मैं आपको बताऊं मैं हेयर मास्क बनाने के लिए किस किस चीज़ का यूज़ कर रही हूँ। प्रोडक्ट देखिएगा आप मेरे, ये देखेंगे मैं ऑयल यूज़ कर रही हूँ, ऑलिव ऑयल है, कंडीशनिंग, ठीक है, ये मैं यूज़ कर रही हूँ, ये स्पून डाल रही हूँ, ठीक है। ये मैंने एक स्पून लिया है, ठीक है, ये यहाँ मैंने बाउल में एक स्पून ले लिया, ठीक है। योगर्ट है फ्रेंड, मैंने मिल्क पैक वाली योगर्ट ली है, ये देखें आपको इसका रैपर दिखाऊं, ये मैंने योगर्ट ली है, ठीक है। दूसरी योगर्ट मेरे घर में नहीं आती क्योंकि मुझे उसमें से स्मेल आती है, ठीक है। ये मैंने ये वाले स्पून 1-2 स्पून, ठीक है फ्रेंड, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। इसको मैंने मिक्सअप कर लिया, इसके बाद मैं इसमें डालूंगी, ये हेयर मास्क बन रहा है और बहुत अच्छा बन रहा है, ठीक है। ओके फ्रेंड, यहां मैं इसमें डाल रही हूं, ठीक है, एग, ये फ्रेंड मैंने इसमें एग ऐड कर दिया, ठीक है। अच्छा तो फ्रेंड ये देखें आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसमें एग ऐड कर लिया है, ठीक है, और इसको मैंने अच्छी तरह से, ठीक है, अच्छी तरह से मैंने मिक्सअप कर लिया है। और एक चम्मच मैंने डाला है लेमन जूस, और यहाँ मैं मिक्सर्स का लेमन यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड मैंने इसको अच्छी तरह से बीट कर लिया है, बहुत अच्छी तरह से आप इसको बीट करें, ठीक है। हेयर मास्क हमारा रेडी हो चुका है, ये देखिए
ये हमारी दादियों नानियों के ज़माने का हेयर मास्क है जो वो हम लोगों को लगाती थी, तभी हमारे बाल इतने अच्छे होते थे। आजकल तो हम लोगों ने हशर कर दिया अपने बालों का, यकीन करें बिलीव मी, हम लोग अपने बालों का, हमारा बस चले ना तो हमारे हम गंजे हो जाएं। ये देखिए इसका ये आया रिजल्ट, ठीक है। अभी मैं इसको बालों पर अप्लाई करूँगी, ठीक है। अच्छा देखिए फ्रेंड, मैं हेयर मास्क अप्लाई करने लगी हूँ। आप चाहे तो इसको किसी बोतल में डाल सकते हैं, ठीक है। मैंने बोतल में नहीं डाला, मैं इसको इसी तरह से अपने हाथों के जरिए इसको लगा रही हूँ, ठीक है। आपने इसको ऊपर से अप्लाई करना है, ठीक है। इस तरह से आपने इसको अप्लाई करना है, ठीक है। इसको भी बेटा इस ये देखिए, इस तरह से आपने इसको अप्लाई करना है। कोई स्मेल नहीं है, कुछ नहीं है। हेयर ऑयल अच्छा सा डाल लीजिएगा, स्मेल ख़त्म हो जाएगी, और जब आप अच्छे शैम्पू और कंडीशनर के साथ वॉश करेंगे तो इसकी स्मेल भी बिल्कुल ख़त्म होगी। फ्रेंड इस तरह से मैंने इसको सारे बालों में लगा लेना है, ठीक है। जो डर जाएंगे वो मैं हैंड के साथ लगाऊंगी इस तरह का, और नीचे ये देखिए फ्रेंड, मैं इसको बहुत अच्छी तरह से लगा रही हूँ, ठीक है। हाथों से लगाएंगे ज़्यादा अच्छा है, आप स्प्रे बोतल में भी डाल सकते हैं। मैं हाथों के साथ ही लगाती हूँ, मैं खुद भी हाथों के साथ लगाती हूँ। खाने वाली चीज़ है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से आपने अच्छी तरह बालों को कवर कर लेना है अपने। आप अपने बालों के हिसाब से क्वांटिटी ले लीजिएगा। ये मेरी बेटी के बाल भी वैसे माशाल्लाह लंबे हैं, और बहुत मेहनत करती हूँ मैं इसके बालों पर, ऐसे लंबे नहीं हुए हैं, ठीक है। आप भी ये लगाएं अपने बच्चों को, और इसका कोई नुकसान नहीं है। सबसे पहले मैं आपको ये, इसका कोई नुकसान नहीं है, कोई भी नुकसान नहीं है इसका, ठीक है। ये नहीं कह सकते कि बच्चे नहीं लगा सकते या बड़े नहीं लगा सकते या छोटे नहीं लगा सकते। ये वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं जिनको बाल झड़ हो गया होगा, उनके भी बाल वापिस आ जाएंगे। ये इतना अच्छा हेयर मास्क है। ये जितना मैंने बनाया था, ये देखें, ये मैंने सारा अपने हाथों के साथ लगा लिया। नहीं इसमें तो नहीं, मैंने उसमें ऑयल ऐड किया ना, मुझे आ रही है, आ रही है दही की आ रही है। हाँ वो दही की तो थोड़ी स्मेल होगी, अभी तो मैंने घर का यूज नहीं, वो नहीं यूज किया, घर की दही होती तो नहीं। उधर मुकर चले, ये देखें फ्रेंड, इसको मैंने आओ, आओ। ऐसे कवर कर दिया, ठीक है। ये देखो जी, ठीक है फ्रेंड, मैंने इसको इस तरह से कवर कर दिया। इसको कम से कम मैंने 1 घंटा रखना है, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसको 3 घंटे लगा रहने दूँगी, ठीक है। तो फ्रेंड मैं इसको 2 घंटे के बाद वॉश करूँगी, ना 1 घंटा ना 3 घंटे, ठीक है। 2 घंटे इसको ऐसे ही लगाने दूँगी और चल। ओके माय डियर फ्रेंड, ओके, अब मैं यहाँ पे 2 घंटे मुकम्मल हो चुके हैं, तो मैं वीडियो को आपको दिखाऊं कि मैं कौन सा शैम्पू यूज़ कर रही हूँ और कौन सा कंडीशनर यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी अच्छे ब्रांड का शैम्पू, कोई भी अच्छे ब्रांड का कंडीशनर यूज़ कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी बात बताती हूँ, जो लोग कहते हैं कंडीशनर के साथ बाल टूटते हैं या रफ़ हो जाते हैं या ड्राई हो जाते हैं, या डेली यूज़ नहीं करना चाहिए, मंथली यूज़ नहीं करना चाहिए, कभी कभार लगाते हैं, सब कुछ नहीं है, कंडीशनर से कुछ भी नहीं होता। मैं अपने बालों पर डेली कंडीशनर यूज़ करती हूँ, और ये देख सकते हैं आप मेरे बाल। लेकिन मैं ये सीरम भी लाजमी लगाती हूँ, सॉरी मास्क मैं लाजमी लगाती हूँ। मैं सीरम भी आपको बताऊँगी, मैं अपनी एक वीडियो बनाऊँगी जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि मैं अपने बालों में कौन सा सीरम यूज़ करती हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये देखें, यहाँ पे मैं हिमालया का शैम्पू यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, स्मूथ एंड सिल्की हिमालया प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर। और मैं लोरियल का ये ओके ये मैं कंडीशनर यूज़ कर रही हूँ। तो फ्रेंड ये देखें, यहाँ मैंने इसके बालों को, ये देखें अभी गीले ही हैं, ड्राई नहीं हुए हैं, मैंने इसको हेयर ब्रश किया है। ये देखें
ये देख सकते हैं फ्रेंड, आप देख रहे हैं फ्रेंड, ये देखें ज़रा भी इसमें टेंगल नहीं है। अभी बाल ड्राई हैं और सॉरी गीले हैं, ये देखें बैठे हैं सारे हेयर अभी, ये देखें, ये देखें, ये देखें। और सबसे अच्छी बात है इसके साथ हेयर फॉल नहीं है, ये देखें आप ब्रश देख सकते हैं, ब्रश में देखें कोई भी बाल नहीं है, कोई एक दो अगर होंगी भी तो इतना तो नॉर्मली होता है। ये देखें फ्रेंड, ये इसका रिज़ल्ट आया, ये देखें। तो फ्रेंड देखें ये हेयर मास्क कितना इजी है घर में बनाना, और आप इसको बना सकते हैं। बेटा इधर मुका फ्रेंड, कर जाओ सीधा कर, इधर करो, इधर मेरी तरफ देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, शाइन चेक करें आप बालों में, और ये देखें बाल, ये देखें, ये देखें इसका ये रिज़ल्ट, ठीक है, ये देखें। चलो बैठ। तो फ्रेंड देखा आज आपको मैंने हेयर मास्क बनाना बताया है, तो आप इजीली इसको घर में बना सकते हैं, कुछ एक्सपेंसिव नहीं है फ्रेंड। देखें ये घर की चीज़ें मैंने आपको बनाई हैं, ऑयल भी सबके घर में होता है, योगर्ट भी नॉर्मली चीज़ है हम लोगों के घरों में अवेलेबल होती है, और उसके अलावा मैंने इसमें एग ऐड किया है वो भी हमारे पास होता है, ठीक है। लेमन जूस है, आप लेमन जूस नहीं है आपके पास तो आप लेमन काट को उसको भी उसमें निचोड़ सकते हैं, ठीक है। बस एक आपने एक मैंने उसको स्पून बताया था आपको लेमन का, ए टू स्पून मैंने योगर्ट डाला, वन स्पून मैंने ऑयल डाला, ठीक है। तो फ्रेंड बहुत इजी आप इसको घर में बना सकते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं, मैंने कुछ ऐसा नहीं यूज़ किया है, और ये बहुत अच्छा टोटका है, ये हमारी नानियों दादियों के टाइम का है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसको घर में बना के अप्लाई कर सकते हैं। महीने में आप दो बार इसको अप्लाई कर सकते हैं, बाल हेल्दी हो जाएंगे, बालों में जान आ जाएगी, बाल ऐसे टूटे फूटे मुरझाए वैसे वाले लगेंगे, जिनके दो मुंह वाले बाल हैं वो वाले भी बाल ख़त्म हो जाएंगे, जिनके हेयर फॉल है वो भी हेयर फॉल ख़त्म हो जाएगा, जिनके बालों में डैंड्रफ है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये बहुत सारे नुकसान से बचाता है हमारे बालों को, हेयर मास्क ज़रूरी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, और मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगी। कुछ आपको ऐसी ज़रूरत की चीज़ें, कुछ जो आपको नहीं आपको समझ में आती तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर बताऊँगी। फ्रेंड दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह ताला फिर से मुलाकात होगी आपके साथ किसी अच्छे प्रोग्राम के साथ, किसी अच्छे टॉपिक पर बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो फ्रेंड इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। तो फ्रेंड सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल लाजमी, ठीक है, और बेल आइकन ज़रूर करिएगा ताकि मैं कोई भी नई वीडियो लगाऊं तो आप तक ज़रूर पहुंच सके और आप मेरी नई नई वीडियो देख सकें। दुआ में याद रखिएगा फ्रेंड, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।